टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे न छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड भवनापुर के एडीओ पंचायत लाले के आदेशों की अवहेलना करने में भवनापुर के पुराने ग्राम पंचायत अधिकारी पीछे नहीं हटे। एसडीओ पंचायत लाले ने मीडिया के माध्यम से उन ग्राम पंचायत अधिकारी को चेतावनी दी है। अगर 30 अगस्त तक संपूर्ण अभिलेख के साथ नए ग्राम पंचायत अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई तो उन ग्राम पंचायत अधिकारियों की वेतन रोक दी जाएगी, क्योंकि लगभग 2 माह से जो नए ग्राम पंचायत भवनापुर में तैनात हैं उन लोगों को संपूर्ण अभिलेख आज तक नहीं मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। वहीं एडीओ पंचायत ने सफाई कर्मचारियों को भी कड़ा रूप में निर्देश दिया कि अगर कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई कार्य में अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल वेतन रोक दिया जाएगा। जब आपने पद ग्रहण किया था तो आपने कहा था जो ब्लॉक के कार्य है लंबे समय तक नहीं चलेंगे, सही तरीके से उसका जो है निष्पक्ष जो तरीके से निपटारा किया जाएगा, फिर उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ब्लॉक पर आज भी लोग दौड़ रहे हैं, बार बार दौड़ रहे हैं, किस चीज के लिए? चाहे परिवार रजिस्टर हो या मृतक प्रमाण पत्र हो। परिवार रजिस्टर के बारे में जहाँ तक उस दिन भी बात हुई थी, हमने ये स्टेटमेंट दिया था, अपने सभी संबंधित पुराने ग्राम पंचायत अधिकारियों को जिनको चार्ज लेना था उनको, और नए ग्राम पंचायत अधिकारी जिनको चार्ज लेना था सबको हमने आदेशित कर दिया है और सब लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इस अगस्त महीने में 30 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है कि अगर 30 अगस्त तक कहीं भी कोई कर्मचारी अगर चार्ज नहीं दिया और चार्ज का आदान प्रदान अवशेष है तो निश्चित तौर पर अगस्त महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। नहीं सर, दूसरी बात, आपने ये कहा था कि 20 तारीख के बाद अगर जो चार्ज पूर्ण रूप से नहीं दे देते या नहीं ले लेते हैं तो ऐसी अवस्था में उनका वेतन रोक दिया जाए। फिर ये जानना चाहेंगे कि कितने लोगों का वेतन रुका अभी तक, वो किन कारणों से रुका? रुकने का मतलब होता है कि एक महीने में एक दिन दो दिन वेतन नहीं रोका जाता है, पेरोल रोका जाता है। महीने का वेतन लास्ट में जब कर्मचारियों का पेरोल जाता है तो उस समय वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती है, उनका पेरोल नहीं दिया जाता है तो इस स्थिति में वेतन रुक जाता है। अब रही बात, हम इस महीने में 20 तारीख तक कहे थे, संयोग से इधर हमारे विकास खंड में दैवीय आपदा, ये बाढ़ का दैवीय आपदा अचानक 15 अगस्त से ही शुरू हो गया और जिसमें हमारे कर्मचारी ग्राम पंचायत कार्य, ग्राम विकास अधिकारी और समस्त सफाई कर्मी भी मैं स्टाफ के साथ सब व्यस्त हो गए। बाढ़ राहत सहायता में 20 कर्मचारी हमारे बराबर आज तक 15 तारीख से लेकर और आज तक 20 सफाई कर्मी इटवा तहसील में और 10 सफाई कर्मी डुमरियागंज तहसील में बराबर बाढ़ राहत सामग्री का पैकिंग करना, लोडिंग करना और उसे बाढ़ चौकी पर पहुंचाना, ये सब काम हमारे युद्ध स्तर पर हमारे सफाई कर्मी लगे हुए कर रहे हैं और साथ में जो सचिव हैं ग्राम पंचायत कार्य या ग्राम विकास अधिकारी हो वो भी कर्मचारियों के साथ में लगे हुए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा चार्ज के बारे में कुछ कमियां अभी आई हैं, लेकिन वो अभी हम ये महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि 30 तारीख तक हम पूर्ण रूप से चार्ज दिलवा ले जाएं और किसी का वेतन ना रोकना पड़े। जी धन्यवाद। आगे सफाई कर्मचारियों के विशेष में बताइए सर। सफाई कर्मियों के बारे में जैसे कि
जिले से हमें आदेश मिला है कि जिन गांवों में हमें रोस्टर के अनुसार, रोस्टर हम 17 तारीख से 30 तारीख तक एक रोस्टर बना करके लगाए थे, न्याय पंचायत द्वार समस्त सफाई कर्मी रोस्टर के अनुसार एक दिन निश्चित दिनांक को, एक निश्चित दिन को एक गांव में जाकर के पूर्ण रूप से साफ सफाई करेंगे। लेकिन अभी जिले से कल हमें आदेश मिला है कि जिन गांवों में बाढ़ प्रभावित जो राजस्व गांव है या ग्राम पंचायत है, जिन गांवों में बाढ़ आई थी और इस समय कुछ पानी हट गया है, सूखा है मौसम, ऐसी स्थिति में वहां रोस्टर के अनुसार ही कर्मचारियों को नियुक्ति करना है और कर्मचारियों को ग्रुप में टोली में बना करके और वहां की सफाई व्यवस्था तत्काल में विशेष ध्यान देकर के करवाना है। तो हम अपने स्तर से रोस्टर बना लिए हैं और आज ही हम जिले पर वो भेज दे रहे हैं और कल से हमारे सफाई कर्मी रोस्टर के अनुसार से जिन गांव में बाढ़ आई थी उस गांव में जाएंगे और अब पूरा साफ सफाई स्वच्छता के बारे में जितना प्रयास कर पाएंगे वो करेंगे। और उसके लिए सफाई कर्मी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम नोडल अधिकारी के रूप में अपने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को भी लगा दिए हैं कि वो मौके मौके पर निरीक्षण करते रहे, साथ में हमारे त्रिवेणी खंड विकास अधिकारी महोदय भी, और हम बराबर निरंतर क्षेत्र में दौरा करेंगे, गांव में चेकिंग करेंगे, बाढ़ प्रभावित गांव में दौरा करके देखेंगे कि क्या जो रोस्टर के अनुसार सफाई कर्मी लगाए गए वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं सफाई कर्मियों के द्वारा शिथिलता बरती गई या उपस्थिति पाए गए तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और उनका भी वेतन रोकने की संस्तुति हम जिले पर कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है, ना तो मेरे द्वारा ना मेरे खंड विकास अधिकारी महोदय के। लेकिन सर ऐसे बहुत से गाँव है जहाँ तक सफाई कर्मी लोग जाते तो है गाँव पर, इन गांव में सफाई ना करके होटलबाजी करते तो उनकी क्या होगा? नहीं नहीं, हम इस बात को मान रहे हैं, सफाई कर्मी हमारे जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। इस महीने में जब से 14-15 से बाढ़ का ये प्रकोप हुआ तो कुछ सफाई कर्मी जहां पर तैनात हैं वहां बाढ़ आ गई तो वहां उस गांव में नहीं जा पाए, और कुछ सफाई कर्मी जिस गाँव का निवासी है, चूंकि इसी विकास खंड के अधिकतर सफाई कर्मी हमारे हैं, तो जैसे जो सफाई कर्मी जहाँ का निवासी है, उसका मेन जन्मभूमि है, घर है, उसका गांव पानी से घिर गया तो वो गांव से बाहर नहीं निकल पाया तो ड्यूटी करने कैसे जाएगा? जब गांव पानी से घिर गया है तो गांव से बाहर वो निकल ही नहीं पाया। तो इस नाते थोड़ा सा इस महीने में जरूर दिक्कत आई है जब तक बाढ़ का प्रकोप था, लेकिन अब तो पानी हट गया है सब जगह, अब सफाई सभी सफाई कर्मी हमारे काम में लग गए हैं, कहीं कोई ऐसी बात मेरे संज्ञान में नहीं आ रही है। यदि आएगी तो निश्चित तौर पर हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। बहराइच से टॉप न्यूज संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट।